दुनिया बना ली। यथाशक्ति आपके गीत का मैंने जवाब खाने का प्रयास किया है। और एक गीत, ये जो पीछे वाले बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, तो एक गीत मेरी तरफ से सुनिए। इनको एंटीबायोटिक दो थोड़ा। कि रहे है सोच सस्ती, वस्तुएं नकली बनाता है। ये पीछे वाला, ये चीन वालों को देखिए इधर बैठे हैं। क्यों देवेंद्र भैया? रहे है सोच सस्ती, वस्तुएं नकली बनाता है, और कमी ये है कि खुद औकात अपनी भूल जाता है। और दया आती बहुत अब चीन पर, आश्चर्य भी कितना। दया आती बहुत अब चीन पर, आश्चर्य भी कितना, कि न दिखती आंख तक जिसकी हमें आंखें दिखाता। ये बोना भी बोलता है। कोई कहता है, क्या कहता है, कि आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द बने। क्या होगा 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 मेरा सोचना, कि दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। तो क्या होगा 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 मेरा सोचना। गौतम के आश्रम पर देखिए कैसा कृत्य किया इंद्र ने। छल करने को बहुत अच्छे बड़े बदल आए हैं। ये छलिया छल करने को, ये छलिया भेष बदल आए हैं। और गौतम ऋषि के आश्रम पे धाए हैं। गौतम ऋषि के आश्रम
छूटी है, सोचने लगे हाय मेरी दिनचर्या टूटी है, तो गंगा नहाने को गौतम ऋषि जी सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं, गंगा नहाने को मेरा मनुआ टोलता अच्छा। कि गंगा नहाने को मेरा मनुआ टोलता है ये। और भयो भोर जी कितनी जोड़ की मुर्गा बोलता इसी बीच में ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमारे छोटे भाई सुमित यादव जी कटेना से। देखिए पहले पहले मुर्गा बोला, अभी एक ही बोला है। हाँ अभी तो एक ही बोला है, अभी एक ही बोला है मुर्गा। अब देखिए आगे क्या क्या बोलेगा। मुर्गा बोला है फिर गुर्गा बोलेगा। अब देखिए दूसरा कौन बोलेगा। दुबिन बेटा जो पहले होता था अब भी हो रहा है, सुबह सुबह होता ही मुर्गा बोलता था। और विशेष बात यह है जो पहले होता था वो आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। और देख लेना सुबह ये मुर्गा बोलेगा, मुर्गा तब भी बोलता था आज भी बोलता है और आगे भी बोलेगा, 4 बजे बोलेगा। और बसंत मामा ऐसा मत कहना कि मुर्गा नहीं बोलेगा तो सुबह नहीं होगी, तो भैंसिया बोलेगी। अब देखिए दूसरी बार कौन बोला, अवधपुर में राम बिना मचा को हराम है, अवधपुर में राम बिना मचा को हराम है, तो राम बिना आराम सबको हराम है। अवधपुर में राम बिना मचा कोहराम है और राम बिना आराम सबको आराम है। जब राम के बिना सभी लोग परेशान हैं तब एक बार माँ कौशल्या ने क्या किया, अवधि ज्योतिषी को बोला अवधि समारी है, ये बात है। अवधि ज्योतिषी को बोला अवधि समारी है, राम आगमन को जान खुशी में तारी है, तो तेरी सोने से एक दिन ऐसा हुआ कि तेरी सोने से चोंच मढ़ाऊं जिसे तू खोलता है। कौवे कौवा बोल रहा है कि तेरी सोने से चोंच मढ़ाऊं जिसे तू खोलता है, और मेरे राम आए मुड़गारी पे कौआ बोलता। पहले मुर्गा बोला, पहले मुर्गा बोला और दूसरी बार कौन बोला, कौवा। दो तो बोल गए, कौवा। अभी और अभी जो बच गए वो भी बोलेंगे, तीसरा बोलेगा, अब तीसरा बोलेगा। और इसी बीच में ये सम्मान अब मैं, वैसे रिश्ते में मेरे मामा हैं और ये जो गाने बजाने का काम है मैंने देखकर ही सीखा है और थोड़ा बहुत हो जाता है, मुझे भी कभी कभी मौका मिल जाता है। बहुत अच्छा। आप लोग इतने भीड़ में एकत्रित हुए हैं और जवाबी अगर पहली बार हुआ है
तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बैठे रहें, एक या दो गीत आपको मामा जी भी सुनाएंगे, और मैं तो अभी सीख रहा हूं, हैं तो और कुछ अच्छा सुनना है तो थोड़ी देर बैठे। हाँ, उनके बच्चे के समान हो। कैसे कैसे कुकर्म करता कंस अत्याचारी, ये नहीं मानेगा। ये कुकर्म कौन कर रहा है? ये कंस मामा कुकर्म कर रहा है। कंस मामा भी आ गया, सबको आना है, लेकिन ये कंस मामा नहीं है, ये बसंत मामा है, ध्यान रखो इस बात का, ध्यान रखो ये बसंत मामा है। कैसे कैसे कुकर्म करता कंस अत्याचारी है, मेटने को मद मथुरा गए मदन मुरारी है, पाप घड़ा फूटा पापी को बुरे स्वप्न आते हैं। बुरे बुरे स्वप्न कंस को कैसे आए? रात में क्या क्या दिखने लगा इसको? खर और सियार नगरी में चिल्लाते हैं तो घबरा गया। घबरा गया वो तो बुरा भला ना तौलता है। बारे अहंकारी के घबरा गया वो तो बुरा भला ना तौलता है, और जिया सूखी डाल पे बैठ के उल्लू बोलता। और उल्लू भी बोल गया। एक बात कह रहे थे कि बोने नजर आ, मामा देखिए बोने का क्या काम होता है। और मैंने आपसे एक बार जिटोली में हाथ जोड़ के निवेदन किया था, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनना और आप ये सारी कभी नहीं गाओ। छोटे हो इनसे निवेदन ही करो, आप मेरा आयतन नहीं घनत्व देखिए। हाँ बेटे बहुत अच्छे। आप मेरा आयतन नहीं घनत्व देखिए, और मेरे अंदर का छिपा हुआ मूल तत्व देखिए। वे मूल्यवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चूड़ी दिखती है। जैसे तुम हो। वे मूल्यवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है, क्योंकि कद्दू सस्ता और इलायची महंगी बिकती है। बारे कदुआ। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। कदुआ 2 रुपए किलो बिकता है, ध्यान रखो। अब गया काम से बुढ़ापा। और देखिए, पहले मुर्गा बोला, फिर कौआ बोला, फिर उल्लू बोला, अब देखिए ये जितने बच गए ये सब बोलेंगे। देखिए देखो कैसे कैसे बोलेंगे। नई नई प्रजातियां बोल रही हैं। बिरहा की अग्नि बुझाए, अग्नि बढ़ाए पपैया की बानी है, और बरसाती मेढक बोले बरसे जब पानी। मेढक गांव पे जो सारस बोले जिया घबराता है। एक पक्षी होता है सारस, जिसे गांव में कहते हैं सिस्सा, गड़बड़ होने वाली है सिस्सा। और जब गांव के ऊपर से वो गुजरता है चिल्लाते हुए तो लोग समझते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ होगा। गांव पे जो सारस बोले जिया घबराता है, बोलता है पैसा राकेश नबो रंग दिखाता है।
देखो पैसा भी बोलता है। अच्छा कैसे बोलता है? नहीं बोलता पैसा। दुनिया में बजा है ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है, बोल के पैसा बोलता है। गेट ना खोले चौकीदार बिना पैसा के, अरे वाह। गेट ना खोले चौकीदार बिना पैसा के, लिखे ना रपट थानेदार बिना पैसा के। बढ़ते बढ़ते ये देखो कितना बढ़ गया पैसा, आज भगवान के ऊपर भी चढ़ गया पैसा। अरे वाह, पैसा लगा है इसमें, ये बोल रहा है बच्चा। बच्चा काबिल है, पैसा बच्चा काबिल है, पैसा भी बोलता है। बोलता है पैसा राके नब रंग दिखाता है ये बिना बात के। ये बिना बात के रस में विष को घोलता है। ओ जी बटलोई तो बैठी है चुप पर चिमचा, नेताजी तो बैठे चुप पर चमचा बोलता है, और कोने में ले जाए के फिर जेवट टोलता। बात है, अब देखिए कौन कौन कैसे कैसे बोला के भयो भोर ये कितनी जोड़ की मुर्गा बोलता, और मेरे राम आए मुड़गारी पे कौआ बोलता, कौआ और ये सूखी डाल पे बैठ के उल्लू बोलता है, और बटलोई तो बैठी चुप और चिमचा बोलता। बटलोई तो बैठी चुप और चिमचा बोलता है, के बटलोई तो चमचा बोलता है। क्या बात, आइए एक छोटा सा खंड गीत मेरी तरफ से सुन लीजिए। कितनों को लग रहा है ग्राम से लगन लगानी चाहिए? लग रहा है बात ऊपर ऐसे राम रमैया गाए जा, और राम से लगन लगाए जा। क्यों? राम ही मारे राम ही तारे, राम ही मारे राम ही तारे, तो राम नाम गुन गाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। चाचा आज तुम्हें फेल कर दूंगा, चाचा आज तुम्हें फेल कर दूंगा, और चार पहिए का ठेल कर दूंगा, और ज्यादा बोला सनीचर तेरी लुटिया में तेल कर दूंगा। बहुत बोलता है। शेर सारी की बात करते हो तो सारी रात हमारी तुम्हारी शेर सारी होगी, उधर गाना बजाना होगा। नहीं वो चाचा बड़े बूढ़े हैं, हम उनके बच्चे हैं। हेलो 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 हेलो, बार 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 हर बार में बूढ़े बूढ़े, ये सामने कौन बैठे? ये घर पे भी अपने पिताजी से हमारे बाबा से बूढ़े कहते होंगे। तख्त में नीचे क्यों घुस रहे हो? बहुत अच्छा, जो बोली जाती है भाषा वो सब धर्म होती है। हाँ ये तो ऐसे ही रहेंगे, आदत इनकी ऐसी है।
नहीं आदत ऐसी नहीं, घर पे भी आदत है ना। हाँ चाची ने कई बार इनको फटकार भी दिया है। फटकार नहीं दिया, एक बार ऐसे घर पे कह दिया पिताजी से, तो डंडा लेके पीछे पड़ गए, तू का बूढ़ो ना हो तो आदत पड़ी है। ओ बूढ़े ओ बूढ़े, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, इनके संस्कार कह रहे हैं। अब ये कौन बैठे जरा इनसे कहना, मुझसे कह रहे जरा इनसे कह के देखो। अरे भाई कह सकते हो ना, उम्र बूढ़े नहीं है, जरा इनसे कह के देखो तब माने तुम। कोई बात नहीं दादा, लेकिन माल माल है दूसरे का मोल। लेकिन बात ये है ना, जाकी जितनी बुद्धि है वो वैसे ही शब्द सहूते को, जाकी जितनी बुद्धि है वो वैसे ही शब्द सहूते को, हीरा की परख जोहरई जाने पंसारी का कीमत कूते गो, अच्छा हो कोई घुड़सवार घोड़ा के पांव नित सूते गो, और कितनों बढ़िया हो कुत्ता मगर टांग उठाए के। हम कह रहे हैं कि शांत रहो शांत रहो शांत रहो, वरना पता नहीं कहां तक पहुंच जाएंगे। अच्छा बोलिए मैं गलत कह रहा हूँ, अब बुजुर्ग बैठे ये कदर है, हम कह रहे हैं तो हैं बूढ़े हैं। अरे ना उस बूढ़े की आवाज पर पहुंचोगे ना इस बूढ़े की आवाज पहुंचोगे, समझे। मैं पहले कह दूंगा आधा जवानी आधी बुढ़ापा है, भगवान भोलेनाथ का पार्वती का रूप देख लेना पता चल जाएगा होते हैं। इनकी रही भावना जैसी दादा, अरे इनकी रही भावना जैसी है, छीले घात चराबे भाई जी। इस हिमालय की चढ़ाई तुम चढ़ नहीं पाओगे, आइए बात, इस हिमालय की चढ़ाई तुम चढ़ नहीं पाओगे, जितना चढ़ोगे लुढ़कते नजर आओगे, क्योंकि इसकी बुलंदियों का इतिहास ही कुछ ऐसा है, इससे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बात मेरी और दूरबीन जी की चल रही है। वो भांजे हैं भाई, हम क्या चुनाव है, चुनाव कैसा है, कौवा बोलता है, मुर्गा बोलता है, मुर्गा बोलता है, उल्लू बोलता है, गीत बोलता है, कुछ नहीं बता तो चमचा बोलता है, अपनी अपनी चॉइस है, या भी कुछ बोल रहा है, लेकिन कौन बोलता है। और सीता सखियों से ओ ऐसे आओ ढोलक के संग चलो, गीत आया या आवाज बुनाए भैंसिया बारी। क्या नाम है के शेर सिंह, पिताजी का नाम शमशेर सिंह, गांव कौन सा के बहादुरगढ़, भाई साहब बात चारों के पीछे कत्ता है रहा। मैं पहले कह चुका हूं कि वहीं रहो जहां रहना चाहिए, आगे बढ़े तो हम भी आगे बढ़ेंगे और हम पीछे की तरफ जाएंगे तुम्हारी उम्र की ओर, तो हमारी ओर आना शुरू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब बूढ़े तुम्हें करके छोड़ूंगा, रात भर में ध्यान देना। तरण जो चाहे तो गंगा जल को पीना चाहिए, तरण जो चाहे तो गंगा जल को पीना चाहिए, और हज जो करना चाहे उसको मदीना चाहिए, अंगूठी के लिए सुंदर नगीना चाहिए, और इस बसंत को जड़ से लड़ने के लिए गज भर का सीना चाहिए। मंडल पर गिर पड़ा तो जाने कहां से निकल जाएगा। बोले जाने कहां का बोले जाने, हम अपने बुढ़ापे का ख्याल रखें तो जवानी का ख्याल नहीं है। जय हो दादा, जवानी भरना रही है इन पे। अरे भर रहा तो ये नहीं है कि अब नहीं कहना चाहिए। जय हो हिंदुस्तान को, पूरे देश को नाक में नकेल डाल दिया अकेले बूढ़े 70 वर्ष के, जान नहीं रहे हो, अकेले ने अकेले हिंदुस्तान को कर दिया है, विश्व को नचा दिया है, उसकी उसको देखो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बुढ़ापे में बहुत कुछ होता है, अनुभव होता है, लेकिन अब चाचा तुम क्या करो, चाचा चाचा की बात है, चाचा जो वो बोलते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब सुनिए, आपने कुछ गाए, कुछ पक्षी गाए, मैं सुना रहा हूँ, गीत आपका पूरा भी सुनेगा। पहला गीत गाया आपका, उसका जवाब सुने। सीता
ईमानदारी से बताना। जय हो। मैं जो गा रहा हूँ इनके गाने में कुछ अंतर आपको लग रहा है? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताइए। अंतर लग रहा है तो हाथ उठाओ। मैंने गीत गाया महबूबा, अब आप देखिए जवाब आया। मैंने कहा आंख से आंख को लख, आंख जो खोड़ देगा क्या? पूरन बल ने आंख से आंख फोड़ी थी क्या? जय हो। पूरन बल के, पूरन बल के चाचा आए, पूरन बल के चाचा ने आंख फोड़ी थी। जय हो, जय हो। मैं क्या कह रहा हूँ, जय चाचा भेद की थी जो पहली कहानी, ऐसी कोई और हो तो लाना गर हो ज्ञानी। अर्जुन ने स्वयंवर में मीन भेद की ना, और आंख से लखी आंख, आंख छेद की ना। क्या यही जवाब था इनका? बताना, बताइए आप लोग, बताइए यही जवाब था? मीन भेद की है जवाब ये था? और मैं कह रहा हूँ ये पतझड़ आंख से तेल की कढ़ाई में आंख से, ये दूसरी कहानी चाह रहा हूँ। चलिए मल ऐसी लेके आओ, माहिल मामा की तरह बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, ये चाचा की बात होगी, दूरबीन की बात नहीं हो सकती, क्योंकि चाचा जैसा कह देंगे वैसे ही वो करेगा। सुनिएगा अब आपका आया गीत आया, शुरुआत होती है देखिए, मेरे पक्षी देखना, एक पक्षी देख, मेरे पक्षी देखिए। सीता सखियों से बोली भेद कुछ बोलता है, सखियों के साथ सीता जंगल में गई और तोती तोते में बात हो रही है। ये तोती तोता है, तोती इधर तोता है। सीता सखियों से बोली भेद कुछ खोलता है, अब सुनो सुनो तोती से ये तोता बोलता है, अब सुनो सुनो तोती से तोता बोलता है। चाचा मुड़ ला रहे, ये तोता बोलता है, चाचा दादागिरी चल रही है, अब सुनो सुनो तोती से ये तोता बोलता, अब सुनो सुनो तोती से तोता बोलता बोला तोती तोते मातोली भगवान राम क्या है। कबूतर के पीछे बाज जा रहा था क्रोध में, ये राजा शिव गिरा, तब कबूतर जाके राजा शिव की गोद में, राजा शिव की गोद, कबूतर जाके राजा शिव की गोद में गिरा। बोला बाज भूखा हूं मैं इसे खा जाऊंगा, जय हो। बोला बाज भूखा हूं मैं इसे खा जाऊंगा, मेरा शिकार इससे प्यास में बुझाऊंगा, कबूतर ने कहा राजा शिव से अब मुझे बचा लो, क्या बात है बड़े, बहुत अच्छे बेटा। अब मुझे बचा लो काल मेरे सिर डोलता है, अब सुनो सुनो राजा से कबूतर बोलता है। तोता भी पालते हैं कबूतर भी पालते हैं, मेरे पक्षी देख रहे हैं। अब सुनो सुनो राजा से कबूतर बोलता है, अब सुनो सुनो
कोई कह रहा था चमचा बोलता है, तो चमचा बोलता तो एक उसके लिए लाए, बाकी सब मेरे पालने वाले जीव है। सुनिए, पालने वाले पक्षी है, अब उनके लिए क्यों लाना पड़ा? सिया का हरण करके लंकेश आता है, आकाश मार्ग से वो लंका को जाता है, लंका को जाता है, लंका को जाता है। रोती बिलखती सीता रुदन मचाती है, गीधराज जटायु जटायु के कानों में तब आवाज आती है, आवाज आती है, आवाज आती है। और जटायु पहुंचे माँ जानकी को बचाने के लिए, अरे दुष्ट नीच पापी ना मन में डोलता है। अब सुनो सुनो, अब सुनो सुनो, रावण से गीध तब बोलता है, अब सुनो सुनो, रावण से गीध तब बोलता है, अब सुनो सुनो, रावण से गीध तब बोलता है। अधिकांश लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, सुनना मेरी बात, अब और कोई बोल रहा है, ये भी बोलता है, सवेरे बोलता है, शाम को बोलता है, जब आए तब मन बोलता है। गांव देहात में जाने वाले, खेतों में रहने वाले किसान भाई जानते होंगे, पहलवान कहता, पहलवान को लगता, कहता दंड बैठक कसरत है, बनिया को लगता, कहता नमक मिर्च अदरक है, नमक मिर्च अदरक है, नमक मिर्च अदरक है। मुस्लिम समझता, कहता सुभान तेरी कुदरत है, हिंदू को लगता, कहता राम सीता दशरथ है, राम सीता दशरथ है, राम सीता दशरथ है। लेकिन ध्यान से सुना, हर क्षेत्र में हर गांव में ये चीज मिलती है। अरे जिसकी भावना जैसी मन में तोलता है, लेकिन राम ही जान के काला तीतुर बोलता है, राम ही जान के काला तीतुर बोलता है, राम ही जान के काला तीतुर बोलता है, अब राम ही जान के काला तीतुर बोलता है। और ये प्रमाण है, ये तो पंछी थे, और भी प्रमाण है, गधा कुत्ता सुअर बोले, जय हो जय हो, छे 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 छे, गधा कुत्ता सुअर, हैचू हैचू बोलते हैं, बोलते बोले, प्रमाण है ये, अपनी अपनी भाषा है। कुत्ते ने जाके भगवान राम के दरबार में बोला, कुत्ता बोला, गधा भी बोला, समझे, राजा हरिश्चंद्र के समय में, जय हो, और सुअर बोला तो अपन सब बोलते हैं, जय हो। गधा कुत्ता सुअर बोले इसके भी प्रमाण है, चाचा और क्या क्या बुलवाओगे? ओ चाचा, गधा कुत्ता सुअर बोले, चाचा पहले से तबीयत कैसी है? पहले से है, गधा कुत्ता सुअर बोले इसके भी प्रमाण है, बोली है अनमोल बोली, जो भी बोले जान है, जो भी बोले जान है, जो भी बोले जान है। पानी है भी बोलिए मन का पाखो, और उनको शीतल करे आपो शीतल, मन भाए बोली बोलता है, अरे मन भाए बसंत तो ऐसी बोली बोलता, अरे बोली बोलता है, बोली बोलता है, मन भाए बसंत तो ऐसी।